हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लिस्ट में हम एलिमेंट्स को किस तरीके से डिलीट करते हैं और क्या क्या मेथड इसके लिए यूज किए जाते हैं। देखिए, लिस्ट में एलिमेंट को डिलीट करने का फर्स्ट मेथड होता है पॉप, सेकंड रिमूव एंड थर्ड इज नॉट अ मेथड, थर्ड इज स्टेटमेंट, डेल स्टेटमेंट। ठीक है, और ये सारा आपका स्मॉल लेटर्स में आएगा, रिमूव भी आपका स्मॉल लेटर में आएगा। ओके, हम ये तीन मेथड के थ्रू, दो मेथड और वन स्टेटमेंट के थ्रू डिलीट कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट के डेटा को। किस तरीके से करते हैं आज हम सीखेंगे, पॉप मेथड के थ्रू। चलिए देखिए, पॉप मेथड क्या करता है। पॉप मेथड के कुछ रूल्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है अगर आप इसमें कुछ भी गिवन नहीं करते तो वो इंटरनली बाय डिफॉल्ट क्या करता है, लास्ट रिकॉर्ड को, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है। ठीक है, सेकंड इसका रूल है इट रिटर्न्स डिलीटेड एलिमेंट। जो भी डिलीट करेगा ये आपको बता देगा कि मैंने ये डिलीट किया है, डिलीटेड एलिमेंट को ये शो कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ओके, नेक्स्ट इट टेक्स ओनली इंडेक्स नंबर। ये क्या लेता है, इंडेक्स नंबर लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब है अगर आप पॉप मेथड में कुछ गिवन करते हैं तो वो सिर्फ इंडेक्स नंबर ही आप दे सकते हैं आर्ग्यूमेंट के रूप में। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं क्या करेंगे, किस तरीके से कॉल करते हैं। कि मेरे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट बनी हुई है, हम क्या करेंगे, एल डॉट पॉप लिखेंगे। पॉप बाय डिफॉल्ट, हमने क्या बोला, फर्स्ट रूल क्या था इसका, बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट डिलीटेड। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, ये स्टेटमेंट अपने लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगी, यानी कि 10 को डिलीट कर देगी, और ये मुझे रिटर्न भी करेगी। क्या रिटर्न आएगा मुझे, 10 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करेंगे अपनी प्रिंट, मैंने सपोज लिखा प्रिंट एल, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 4, 40, 20, दिस इज माय लिस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इट रिटर्न्स डिलीटेड एलिमेंट, मैंने बताया अभी आपको ये रिटर्न करता है, जो भी ये डिलीट करेगा उसे आपको प्रिंट कर देगा, डिस्प्ले कर देगा ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा एल डॉट पॉप, और पॉप आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर दिया 0, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर 0 पे कौन है, 4 है, तो ये क्या करेगा, 4 वाली वैल्यू को डिलीट करके आपको रिटर्न कर देगा। इसका क्या मतलब है कि इसने जो डिलीट करी है एलिमेंट, डिलीट किया एलिमेंट, उसे आपने रिटर्न करवा दिया। तो इसके बाद अगर मैं प्रिंट एल लिखती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 40, 20 एंड 10। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पॉप मेथड के थ्रू लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर आप कुछ मेंशन नहीं करते। ये रिटर्न करता है डिलीटेड एलिमेंट को, और ये अगर इसको आप कोई भी आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं तो सिर्फ आप इंडेक्स नंबर ही देंगे, और उसी इंडेक्स नंबर की वैल्यू को वो डिलीट करके आपको रिटर्न भी कर देगा। क्लियर है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमूव मेथड के थ्रू किस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट को। थैंक यू।